नवजोत सिंह सिद्धू एकांतवास पर है। सरकारी बंगला वे खाली कर चुके हैं, सारे सुरक्षा कर्मी वापस भेज चुके हैं और परिवार के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब सिद्धू का अगला कदम क्या होगा। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू पार्टी में कोई सुनवाई नहीं होने देने से बेहद आहत है। उन्होंने राहुल और प्रियंका तक से अपनी गुहार लगाई, लेकिन पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। माना जा रहा है कि सिद्धू आम आदमी पार्टी और पंजाब की दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके सामने यही एकमात्र रास्ता बचता है। बीजेपी में उनकी वापसी संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगातार निशाना साधा है। अपनी एक रैली में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने सिद्धू को मुफट कहा था। मंत्री पद छोड़ने और कांग्रेस में बेगाना हो जाने के बाद सिद्धू की कुछ छोटी पार्टियों के साथ आने का ऑफर भी दिया गया है। हालांकि सिद्धू ने अपनी तरफ से इस बात के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वे कांग्रेस छोड़ने का इरादा रखते हैं। कांग्रेस ने सिद्धू का इस्तेमाल स्टार प्रचारक के तौर पर जमकर किया था, और जब उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं सामने आई तो उन्होंने पूरी तरह उन्हें किनारा लगा दिया। हालांकि कांग्रेस का एक तबका चाहता है कि सिद्धू केंद्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि कैप्टन से सुलह की कोई उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।